मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बनाई है। एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ बगावत कर बैठे शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ 29 जून की रात लाइव आकर उद्धव ने खुद ऐलान किया था कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उनके इस्तीफे के बाद ठीक दूसरे ही दिन 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की। अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार असली शिवसेना किसकी है, आखिरकार असली शिवसेना किसकी होगी, इसका इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर डंके की चोट पर ऐलान कर दिया गया है बीजेपी खेमे की तरफ से। ये ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं एकनाथ शिंदे को बधाई देना चाहता हूं कि असली शिवसेना उनकी है। जी हां, आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 5 अक्टूबर का दिन पूरी शिवसेना के लिए बेहद खास रहा, जब महाराष्ट्र में बेहद बड़े पैमाने पर लेकिन अलग अलग पार्क में दशहरा रैली का आयोजन किया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से बीकेसी ग्राउंड में दशहरा रैली का आयोजन किया गया, लेकिन दूसरी ही तरफ शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की तरफ से, और दोनों ने एक दूसरे पर जमकर पलटवार भी किया उस रैली के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव आयोग के फैसले से ही पहले ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के दिन चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकता है कि आखिरकार चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसे आवंटित किया जाएगा। ऐसे में यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा। दरअसल आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी एकनाथ शिंदे के समर्थन में। उन्होंने कह दिया कि मैं सीएम एकनाथ शिंदे को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने साबित कर दिया है कि असली शिवसेना कौन है। उनकी रैली में राज्य भर के लोग आए। रैली में उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया कि असली शिवसेना सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। उन्होंने दावा किया कि आप विधानसभा में भगवा देखेंगे, हम अगले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएंगे, लेकिन ये भगवा बीजेपी और असली शिवसेना के गठबंधन का होगा जो सीएम शिंदे की शिवसेना है। यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से अपनी बात को खुलकर रखा और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि एकनाथ शिंदे ही अब शिवसेना के मालिक हैं। देवेंद्र फडणवीस का यह बयान वाकई में हर किसी को एक तरीके से देखा जाए उनके गुट को बेहद बड़ी उन्होंने खुशखबरी दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से रैली का आयोजन किया गया और यहां पर बेहद बड़े पैमाने पर रैली का आयोजन किया जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हुए, भीड़ देखने को मिली, जिससे साबित हो चुका है कि एकनाथ शिंदे को लोग पसंद कर रहे हैं और इसी तर्ज पर यहां पर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग का क्या कुछ फैसला होता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के इस बयान ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को एक बेहद बड़ा झटका दे दिया है। दिलचस्प होगा आगामी बीएमसी चुनाव में जीत किसकी होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।